इधर बिहार विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं और बिजली की कीमतों पर आज सत्ता पक्ष को विपक्ष ने घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। बिजली की कीमतों पर पक्ष और विपक्ष में तकरार की स्थिति बनती दिख सकती है। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष सरकार को घेरता दिखेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा की आज की कार्यवाही के हंगामेदार होने के आसार बने हुए हैं, जहां विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा है, तो वहीं मुद्दों में अब बिजली की बढ़ी कीमतों के जुड़ने पर अब विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का एक और बड़ा मौका मिल गया है। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी बिहार वासियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अब बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को करीब करीब एक चौथाई और अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। बिजली की दरों में 24.10% की बढ़ोतरी की गई है और इसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। हालांकि नई दरें क्या होंगी, ये सरकार के सब्सिडी के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। सरकार फिलहाल करीब 2 रुपए के आसपास की सब्सिडी प्रति यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रही है। और अधिक जानकारी के लिए सीधे पटना का रुख करते हैं। सहयोगी विकास ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विद्युत विनियामक आयोग की ओर से प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है, यानी कि अब उपभोक्ताओं को और ज्यादा बिजली का बिल देना होगा। जी बिल्कुल दीपक, देखिए तगड़ा झटका बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को लगा है। 24.01% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही जो विद्युत विनियामक आयोग जो है उसने उसके पास जो प्रस्ताव बिजली कंपनियों ने जो दिया था वो तकरीबन 54% बढ़ोतरी का दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिंह ने कल फैसला सुनाया है और उसमें 24.01% की बढ़ोतरी को स्वीकृति दिया है। तो यानी एक तगड़ा झटका बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को लगा है। इसके साथ ही जो फिक्स चार्जेस थे वो लगभग दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। तो बिजली विभाग ने बिहार के तमाम जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको तगड़ा झटका दिया है। नई दरों में 24.01% की बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर इस सदन में बीजेपी हल्ला बोलेगी सदन के बाहर और सदन के अंदर इस बढ़े हुए रेटों को। हालांकि सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि इस पर सरकार फैसला करेगी और जो नए रेट है सरकार इस पर क्या सब्सिडी देगी और क्या नए रेट बनेंगे इस पर अभी विचार होना है सरकार की तरफ से। तो कुल मिलाकर आयोग ने फैसला दिया है कि 24.01% तक बिजली कंपनियां जो बिजली के दर हैं उसे बढ़ा सकते हैं। अब इस पर सरकार फैसला लेगी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि एक बड़ा झटका बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने दिया है। जी दीपक बिल्कुल, विकास विधानसभा की कार्यवाही भी चल रही है और ऐसे में विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही थी, अब ये बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर भी एक और मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए विपक्ष जो है वो एक भी मौका सरकार को जो घेरने के मौके हो उससे चूक नहीं रही है। सदन के बाहर हो या सदन के भीतर हो, पूर्णतः विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है और ऐसे में इसी सदन के बीच 24.01% बिजली के दरों में बढ़ोतरी को का जब ऐलान किया गया तो ये तय है कि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। कल जब हमने बात की बीजेपी के कई सीनियर लीडर से तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि बीजेपी इसके खिलाफ है। अगर 24.01% बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ाई जाती हैं, वो बढ़ाई जाती हैं तो बीजेपी उसका समर्थन नहीं करेगी और इसका विरोध सड़क से सदन तक करेगी। तो साफ मैसेज है कि अगर बिजली की बढ़ोतरी जो बढ़े हुए दर हैं उसे लागू करने का सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो बीजेपी जमकर हमला बोलेगी। हालांकि आयोग के इस फैसले के बाद इसका विरोध बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है वो कर रही है, कल से ही कर रही है और इस बढ़े हुए दर पर बीजेपी सरकार के साथ नहीं है। तो ये तय माना जा रहा है कि आज सदन के बाहर और सदन के अंदर बिजली के बढ़े दरों को लेकर हंगामा होना है। जी दीपक
विधानसभा की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष की तैयारी के बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि जो सत्ता पक्ष है वो जो भी विपक्ष के जो भी जो आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, या फिर जो हर दिन भाकपा माले के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन के जरिए जो सवाल खड़े होते हैं उसका जवाब देने की तैयारी है। जो प्रश्नकाल के दौरान सवाल पटल पर रखे जाते हैं उसके भी जवाब देने की तैयारी है। तो सत्ता पक्ष भी जितने सवाल उठ रहे हैं, क्यों ज़रूरी था बिजली के दरों में बढ़ोतरी करना, इसके भी जवाब जो हैं सरकार के पास उपलब्ध हैं। चूँकि बिजली की जो कीमत है, जो बिहार जिस बिजली की परचेजिंग यानी खरीदता है, वो उसके दर में बढ़ोतरी हुई है, और इसी को लेकर बिजली कंपनियों ने आयोग के पास अपना आवेदन दिया था कि इसे 54% बढ़ाने के लिए। विकास, आप बने रहे हमारे साथ, तो स्वाभाविक सी बात है विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने में विपक्ष जुटा हुआ है, और ऐसे में बिजली की बढ़ी दरें, बढ़ी महंगाई को लेकर एक और मुद्दा विपक्ष को बिहार में मिल गया है।